नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं मेघा सिंह। भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का आज मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने 69 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लहरी के एक रिश्तेदार ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। इसी बीच लहरी के निधन पर प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, बप्पी लहरी जी का संगीत सर्वागन था और विविध भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता था। उनका जीवन स्वभाव सभी को याद रहेगा। उनके निधन से दुख हुआ। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी गायक बप्पी लहरी के निधन पर शोक जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बप्पी लहरी एक बेजोड़ गायक संगीतकार थे। उनके गीतों को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता मिली थी। उनके विविध रेंज में युवाओं और साथ ही भावनापूर्ण धुन शामिल थी। उनके यादगार गीत लंबे समय तक श्रोताओं को खुश करते रहेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी लहरी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि महान गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उनके निधन से भारत संगीत की दुनिया में एक बार फिर खालीपन आ गया है। बप्पी दा को उनके बहुमुखी गायन और जीवन स्वभाव के लिए जाना जाता था। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक जताते हुए कहा कि महान गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के असामयिक निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। हमारे उत्तर बंगाल का एक लड़का, वह अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बल पर अखिल भारत प्रसिद्ध और सफलता तक पहुंचा और अपने संगीत योगदान से हमें गौरवान्वित किया। वहीं खेल जगत में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने महान गायक बप्पी लहरी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कू करते हुए लिखा कि लहरी भारतीय संगीत इंडस्ट्री में एक आइकन थे। बप्पी लहरी आप बहुत याद आएंगे। बप्पी लहरी का यूं चले जाना बेहद ही शोकजनक है और इससे पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। धन्यवाद।